गुड मॉर्निंग एवरी वन. कॉन्टिन्यूइंग विद अवर टॉपिक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे थे उसमें सेकेंड पार्ट, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट आर मेंटेन. तो सेम तरीके से यहाँ पे इस मेथड में हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है वो उसी तरीके से मेंटेन होगा जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था. अब यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट जो ईयर है आपने जो प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट 16,500 का, देन सरेंडर वैल्यू नील थी आपकी, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में जो आपने बैलेंसिंग फिगर हम ट्रांसफर करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से जो ट्रांसफर होगी चीज़ वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में होगी. जो इससे पिछला मेथड हमने किया था वहां पर हम उसे ट्रांसफर कर रहे थे पी एंड एल अकाउंट में, और यहाँ पर इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 16,500. देन नेक्स्ट ईयर में सेम नील गई, ओपनिंग जो बैलेंस हुआ आपका नील आया क्योंकि सरेंडर वैल्यू नील है. नेक्स्ट ईयर में आपने अगेन पे किया 16,500, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो गया बाय बैलेंस सीडी जो आपकी सरेंडर वैल्यू थी इस ईयर में, दोनों साइड्स को बैलेंस किया आपने तो ये 12,700 आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया. देन 2005 में आपने कैरी फॉरवर्ड किया 3750, पे किया अगेन 16,500, बैलेंस जो है सरेंडर वैल्यू 9,000 का और जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी ट्रांसफर हो गई जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में. देन नेक्स्ट जो 2006 में जिस ईयर में आपका क्लेम होना है तो टू बैलेंस बीडी 9,000 आ गया, टू बैंक अकाउंट 16,500 आ गया, इंश्योरेंस क्लेम जो कंपनी को गया 3 लाख आया, और यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया ये जो 9,000 का बैलेंस था ये 9,000 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया. दोनों साइड्स को बैलेंस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो हमने लास्ट मेथड किया था अपना, यहाँ पे जो अमाउंट है वो डिफरेंट आ रहा है जबकि चीज़ हमने सेम वही चीज़ फॉलो की है, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो डिफरेंट आ रहा है. उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे थे वो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे बाय पी एंड एल अकाउंट में, और यहाँ पे जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में. तो इस लास्ट ईयर में ये जो 9,000 का जो बैलेंस है इसे हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट में, इसीलिए ये जो आपका अमाउंट का डिफरेंस है वो आ रहा है. उस मेथड के अकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट आएगा और इस मेथड के अकॉर्डिंग डिफरेंट अमाउंट आएगा. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट जो जो ये आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी. तो टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 16,500 और उसे ट्रांसफ़र कर दिया आपने बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन अगेन टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट टू बैलेंस सीडी और बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन अगेन 2005 में बाय बैलेंस पीडी आपका 3750 आ गया, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी सरेंडर वैल्यूज 9,000 है इस ईयर में, और टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से जो ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से अमाउंट आपका देन बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एंड लास्ट ईयर में बाय बैलेंस बीडी 9,000 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 9,000. तो अब इसकी एंट्रीज हम देख लेते हैं एक बार. सबसे पहली एंट्री पेमेंट ऑफ प्रीमियम की एंट्री, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट को उसके सरेंडर वैल्यू तक लाने की एंट्री, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. देन नेक्स्ट ईयर में प्रीमियम को पे करने की एंट्री, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. उसके बाद अगेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को क्रिएट करने की एंट्री, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट. देन जॉइंट लाइफ पॉलिसी को उसके सरेंडर वैल्यू तक लाने की एंट्री, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. देन अगेन 2005 में सेम तरीके से एंट्रीज रिपीट होंगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ प्रीमियम के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट पॉलिसी रिजर्व क्रिएट करने के लिए,
देन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की अमाउंट को उसकी सरेंडर वैल्यू तक लाने के लिए एंट्री, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। देन 2006 में आपका क्लेम ड्यू हुआ है तो सबसे पहले तो वही पेमेंट ऑफ प्रीमियम की एंट्री, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन इंश्योरेंस क्लेम के ड्यू होने की एंट्री, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। देन क्लेम को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। देन जो बैलेंस है उसे ट्रांसफर करने की एंट्री ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 9000 से। देन जो भी अमाउंट है आपका बैलेंस उसको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने की एंट्री, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3:2 की रेशियो। तो ये था हमारा लास्ट मेथड। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब एक फर्म सेपरेट सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रही है ऑन द लाइव्स ऑफ पार्टनर तो उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस मेथड के अंदर जो प्रीमियम है वो फर्म ही पे करेगी एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर जो होल अमाउंट होगी उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की वो रिसीव होगी इंश्योरेंस कंपनी से, जो ट्रांसफर कर दी जाएगी सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब सपोज जिस पार्टनर की डेथ हुई है, जब उसकी डेथ हुई तो जो भी आपको मिला इंश्योरेंस पॉलिसी से वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे जाके जब किसी दूसरे पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी पॉलिसी से जो अमाउंट मिलेगा वो भी अगेन सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। तो जो डिजीज पार्टनर है वो भी इंटाइटल होगा इन द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसीज ऑफ अदर पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये था हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस और इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टॉपिक। इसके साथ ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।